हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये इस हैमर से, इस जो हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में इस बैट की वो करी थी अनबॉक्सिंग, इसी की हम लोग सही तरीका बताएंगे कैसे कि किस तरीके से इसको इसको यूज़ करना चाहिए, स्ट्रोक इसकी खोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को देखते देखते रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो को और बताएंगे कि क्या कैसे इसको मतलब कैसे इसकी स्ट्रोक खोलें, मतलब क्या सही तरीका है इसको मारने का, कहीं पे भी आप नहीं इसको मार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर बताते हैं, आपको इसको पकड़ना है और उसके बैट के जो मिडिल पॉइंट होता है इस पे, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे मारना है। आप इस पे ज़्यादा ताकत भी लगा सकते हैं पर ज़्यादा तेज ना मारिए क्योंकि अभी बैट नया है और टो पर आपको नहीं मारना है। अगर आप मारना भी चाहते हैं तो आपको इस तरह से टो पे मारना पड़ेगा, बैट के टो पे नहीं मारना है आपको। ज़्यादा तेज आप टो पे ना मारिए क्योंकि बैट यहाँ से टूट भी सकता है क्योंकि नया बैट है, अभी इसकी स्ट्रोक भी नहीं है और टो पे आप नहीं मार सकते इसको। सबसे बढ़िया यहाँ पे मिडिल पे मारिए, आपकी स्ट्रोक खुल जाएगी और इससे काफ़ी जल्दी स्ट्रोक खुलती है। यहाँ पे भी आप नहीं मार सकते, यहाँ पे इसका एज है, यहाँ पे भी आप नहीं मार सकते और ना स्टिकर पे भी आप नहीं मारेंगे, स्टिकर पे भी क्योंकि स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पर यहाँ पे भी नहीं मार सकते, यहाँ से भी आपका बैट इस जगह से, यहाँ पे वी होता है, इस जगह से टूट सकता है। इस वजह से आपको सिर्फ इस जगह मारना है, यहाँ पे स्ट्रोक यहाँ पे यहाँ होती है, इसी पे जब आप मारेंगे तब स्ट्रोक खुलेगी। कुछ लोग यहाँ पर मार देते हैं इस जगह पर, ये भी गलत है, यहाँ पे भी आप नहीं मार सकते, इसमें यहाँ पे कोई स्ट्रोक होती नहीं है, इस वजह से इस जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे मेन या ये बीच का इसका स्वीट पॉइंट यहाँ पे होता है, धरी आप मारिए, सबसे बढ़िया ये है, इस जगह आप मारिए। तो बस यही था इस वीडियो में मैं बताने वाला था। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।